विगत चुनाव में भी जन भावना अखिलेश यादव जी के साथ थी और हर व्यक्ति ये चाहा कि अखिलेश जी की सरकार बने और उन्होंने वोट भी लिया। सरकार अपने कुछ तंत्रों का प्रयोग करके जनमत को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई और भाजपा चाहती है कि एक तीसरा फ्रंट बने ताकि वोटों का विभाजन हो और भाजपा को मौका मिले, भाजपा की जीत आसान। और हमारा सोच है अखिलेश जी को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि वही एक उन्हीं का एक मोर्चा है और वही एक व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा से पुनः 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़ा जा सकता है। अगर हिंदुत्व की बात होगी तो पृथ्वीराज चौहान के योगदान को भारतीय इतिहास में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर दिग्विजय नाथ जी के नाम से पार्क बना रहे हैं, दुर्गविजय जी के नाम से पार्क बना रहे हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेसवे रख करके एक हिंदू समाज के बड़े शासक का सम्मान करें, यह हमारी पार्टी मांग करती है। कि आज उत्तर प्रदेश के पूरे खनन का पैसा मस्जिद उनके मंदिर में चढ़ावे के नाम पर जमा हो रहा है और उस ब्लैक मनी को वो व्हाइट मनी बना रहे हैं। मठ पे उनका फोन अटेंड करने वाले आदमी के पास खाते में 17 करोड़ रुपया जमा है। अगर यह गलत है तो वो प्रदेश को सार्वजनिक करके बताएं और योगी आदित्यनाथ जी अपनी नौकरशाहों की संपत्ति का जो सार्वजनिक करने का मुद्दा है इसकी शुरुआत स्वयं से करें। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों से भी ज्यादा लूट हो रही है और अगर वो मठ की आय का सार्वजनिक रूप से अगर वो जनता के सामने रखेंगे प्रति साल आय का तो जनता देख लेगी। अगर मैं गलत हूं तो योगी जी सार्वजनिक करें ना अपने मठ के कर्मचारियों की संपत्ति को। 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मठ के जितने कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की भी संपत्ति को सार्वजनिक करें, पता चल जाएगा कि कौन कर्मचारी की आय कितनी बड़ी है इन 5 साल। अगर इस सुचिता की बात कर रहे हैं तो अपने घर से शुरुआत करें ना, मठ उनका घर है। सैफई की बात करते हैं, सैफई के लोगों ने सैफई में अपने नाम से कुछ नहीं बनाया लेकिन योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में अवैधनाथ जी के नाम से पार्क बनाए हैं, दुर्गविजय नाथ के नाम से पार्क बनाए हैं अपने दूसरे को, कॉलेज बना रहे हैं और सैफई को प्रदेश को लूटने की जो बात कर रहे हैं आज मठ लूट का अड्डा बना हुआ है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इस बिंदु की तरफ मैं आप सब लोगों का ध्यान ले जाना चाह रहा था और मुझे भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं की संपत्ति का, स्वयं के मठ का संपत्ति का दौरा सार्वजनिक करके अपनी सूचना को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का।